एंड से इस वीडियो में पिछले दिनों के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं। और फ्रेंड्स से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वीडियो के लास्ट में साइंस से संबंधित। और फ्रेंड्स पिछले वीडियो में जो साइंस से संबंधित क्वेश्चनों के सही जवाब दिए थे उन दोस्तों के नाम भी इस वीडियो के लास्ट में शामिल हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपसे शुरुआत में ही पूछ लेता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाता है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो इसके ऑप्शन है आपके लिए 14 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 16 अगस्त। तीनों में से आपको सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो अपने दोस्त रजनेश के साथ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस, आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय ने मोबाइल ऐप निर्यात मित्र लॉन्च किया है। तो निर्यात का काम धाम कौन सा मंत्रालय संभालता है, ये है वाणिज्य मंत्रालय इसको संभालता है निर्यात का। निर्यात मित्र ऐप लॉन्च किया है वाणिज्य मंत्रालय ने। सेकंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। नए चुने गए हैं राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के हैं, जो कि नीतीश कुमार बिहार की जो पार्टी है उस नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी से हैं ये। और फ्रेंड्स तीसरा प्रश्न विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसको नागासाकी पर बम गिराए जाने की स्मृति में भी विशेष दिन सेलेक्ट किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन किस वर्ष भारत का ध्वज संहिता लागू हुआ था। किस वर्ष लागू हुई थी भारत की ध्वज संहिता, 2002 ईस्वी में भारत की ध्वज संहिता लागू हुई थी। और फ्रेंड्स 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, इसलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स दिवसों का भी आप ध्यान रखें। पाँच का क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा मानवाधिकारों के अगले उच्चायुक्त के रूप में किन्हें नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ये इनको नामित किया है, इनका नाम है मिशेल बैचलेट इनका नाम है। और अगला प्रश्न देखते हैं छठा, किस उच्च न्यायालय ने राज्य में भीख मांगने को अपराध के क्षेत्र से बाहर कर दिया है कि इस राज्य में अब भीख मांगना अपराध नहीं माना जाएगा। ये राज्य है दिल्ली, यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का आपको नाम बताना है, और ये पुर्तगाल देश के हैं और हाल ही में पिछले साल ही चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। कोलंबिया के राष्ट्रपति के शपथ ली है इवान डुक्यू ने शपथ ली है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है फ्रेंड्स इंटरनेशनल अगस्त की। अगला प्रश्न आरबीआई बोर्ड में निम्नलिखित में से किसे अंशकालिक और गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया है। ये हैं स्वामी गुरुमूर्ति और सतीश काशीनाथ। इनके नीचे आपको नाम भी दिखा दूंगा, काफ़ी अटपटे नाम लग रहे हैं आपको। तो अगला प्रश्न है बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क बायोस्फीयर हिस्सा नहीं है। तो इसका मानस राष्ट्रीय उद्यान आंसर है। ये क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप का है, तो ये आपके इसको ये इसका सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम का राष्ट्रीय उद्यान है। और असम का एक और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो तो बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को की लिस्ट में पहले से ही शामिल है। टेंथ का क्वेश्चन हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कौन सा भारतीय बल्लेबाज नंबर एक स्थान पर है। विराट कोहली नंबर एक स्थान पर हैं टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में। और ये इनके आंसर्स आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस के। अगले वन लाइनर क्वेश्चंस फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे सिलेक्टेड हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। ये हैं श्री एम करुणानिधि। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, ये राज्य है तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे एम करुणानिधि, डीएमके पार्टी के, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके इनकी पार्टी है।
सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र आरंभ किया गया है? ये स्थान है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में ये जगह का नाम है अमरावती। थर्मल पावर बैटरी संयंत्र ये शुरू किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एसिड अटैक पीड़ित लोगों को दिव्यांगों की श्रेणी में शामिल किया गया है? इस राज्य में एसिड अटैक से पीड़ित जो लोग होंगे उनको दिव्यांग का दर्जा दिया जाएगा, और ये राज्य है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा मध्य प्रदेश। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में दिव्यांगों के लिए अलग निदेशालय स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, वहाँ तो दिव्यांगों को अलग से दिव्यांगों की श्रेणी में डाला गया है एसिड पीड़ितों को, और यहाँ पर किस राज्य में दिव्यांगों के लिए अलग निदेशालय स्थापित किया गया है? तो अलग निदेशालय स्थापित कर दिया गया है असम में। तो दिव्यांगों से रिलेटेड दो लगातार क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के पाँचवा प्रश्न, हाल ही में पायनियर दिवस कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो पायनियर दिवस मनाया जा रहा है साल्ट लेक सिटी में, पायनियर दिवस मनाया जा रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो फ्रेंड्स, इसका राष्ट्रीयकरण किया था 26 जुलाई 1956 को, 1956 का वो दिन था 26 जुलाई 1956 का, जब मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। सेवंथ का क्वेश्चन, हाल ही में मोबाइल मस्जिद किस देश में विकसित की गई है? मोबाइल मस्जिद जापान। तो इस तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और छोटे माइक्रो टेक्नोलॉजी से संबंधित, नैनोटेक टेक्नोलॉजी मेरा मतलब है, नैनोटेक टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी काम होते हैं वो जापान में ही ज़्यादातर होते हैं। अगला प्रश्न आठ का, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 को, और जॉर्जिया के अटलांटा में ओलंपिक पार्क में बम धमाके कब हुए थे ये इंफॉर्मेशन 1996 में हुए थे। और अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये 10 का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ, किस देश में आयोजित हुआ? इस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ये सम्मेलन आयोजित हुआ है हाल ही। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे आज के साइंस से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि सौर मंडल के बारे में दुनिया को सबसे पहले जानकारी देने वाले शख्स का क्या नाम है? किसने जानकारी दी थी सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, यानी सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है, किसने सबसे पहले जानकारी दी थी? और फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक इंट आपके लिए ये रहेगा कि इनके नाम में एक धातु का, मेटल का नाम आता है, धातु का नाम आता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ट्रिकी तरीके से, धातु का नाम किस वैज्ञानिक के नाम में आता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट्स में जवाब दीजिए आज के पहले क्वेश्चन का। और एक और क्वेश्चन साइंस से संबंधित ही, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किन कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है? किन कार्यों के लिए दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? भारत में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पर, शांति स्वरूप भटनागर जिनका नाम है, उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में किस कार्य के लिए दिया जाता है? तीसरा क्वेश्चन आज का, समताप मंडल में ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? साइंस से संबंधित तीसरा क्वेश्चन है ये, समताप मंडल में ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई से, समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल? तो ये क्वेश्चन आपके ध्यान रहना चाहिए, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है ये बार बार, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। तो इसकी मोटाई मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में, इकाई यानी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, देखते हैं फ्रेंड्स आप में से कौन जवाब देता है। और ओल्ड अब पिछले वीडियो में शामिल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके सही जवाब के साथ आपके नाम शामिल करूँगा। इससे पहले दिल्ली प्रशासन करने वाली उत्तरी भारत की एक क्वेश्चनों के आंसर दे देता हूँ, मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। जल्दी जल्दी से, भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? क्या बताया था, मध्यम मार्ग कैसा होता है, दुख और सुख के बीच का बताया था इन्होंने, दुख व सुख के बीच को मध्य मार्ग बताया था भगवान बुद्ध ने। और रेड लाइन अभियान एंटीबायोटिक दवाइयों को का काउंटर उपयोग को रोकने के लिए शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे साइंस से संबंधित पहला क्वेश्चन किया था कि पालक में
कौन सा खनिज तत्व, कौन सा खनिज लवण पाया जाता है हमारे शरीर के लिए जो काफ़ी यूजफुल होता है? पालक में होता है आयरन यानी लोहा पाया जाता है। और आंवला में कौन सी विटामिन होती है? आंवला में होती है विटामिन सी, जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड, मैंने आपको हिंट भी दिया था। और रेटिनॉल किस विटामिन ए का साइंटिफिक नेम यानी रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम पूछा था, सॉरी फ्रेंड्स रासायनिक बोल गया मैं, वैज्ञानिक नाम विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। तो फ्रेंड्स ये इन क्वेश्चनों के आप सभी ने जवाब दिए थे। सबसे पहले कमेंट आया था सुमन भगत का, सबसे पहले सही जवाब दिया है सुमन भगत ने, उसके बाद यूट्यूब नेचर ये इनका चैनल है, फिर है नीतू कुकना, इन्होंने सही जवाब दिया है, फिर हैं रितु दैया ये हैं रश्मि हैं, फिर शिव शर्मा, इन्होंने सही जवाब दिए हैं सबसे पहले तीनों क्वेश्चनों के। और उसके बाद देखते हैं संदीप गेहूँ हैं, और संदीप गेहूँ का ही मैसेज हैं जो कि हिसार से हैं, और फिर हैं दीपक सोलंकी, उसके बाद बलवान सिंह बिरोदिया, उसके बाद बलवान सिंह के मैसेज हैं, बलवान के मैसेज, फिर हैं पूजा जिंदल का मैसेज है, और भी फ्रेंड्स आपके अमित कुमार बैल हैं, अमित कुमार के मैसेज हैं, फिर हैं अमना अली हैं, रेनू मलिक हैं, और फिर हैं सरिता भारती, फिर हैं सरोज रानी, और सरोज रानी काफ़ी समय से हमारे चैनल से जुड़ी हुई हैं, फिर हैं सलोनी गुप्ता, उसके बाद हैं काशी बेनल, फिर हैं अनु गुलिया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आपका बहुत